नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट इम्प्लॉय चैनल में। दोस्तों ये वीडियो मैं ममता देसाई और राजकुमार जी की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। कुछ दिनों पहले इन्होंने पूछा था कि मेरा रिटायरमेंट डेट सितंबर 2010 है और छठवें वेतन में मेरी बेसिक 15,030 और 4200 ग्रेड पे रिटायर हुआ था और पे स्केल 9,300 से लेकर 34,800 था, तो सातवें वेतन के हिसाब से मेरी पेंशन कितनी होगी। और इसी के साथ साथ इन्होंने पूछा है कि छठवें वेतन में जो कर्मचारी रिटायर हो चुका है तो सातवें वेतन में फिर से पेंशन बिक्री का फायदा मिलेगा क्या। तो दोस्तों यही जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं कर्मचारियों और पेंशनरों के काम की वीडियो इस चैनल पे देते रहता हूं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छठवें वेतन से जो कर्मचारी रिटायर हुआ था तो सातवें वेतन में फिर से पेंशन बिक्री का फायदा नहीं मिलेगा, सातवें वेतन में केवल आपकी पेंशन रिवाइज होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि छठवें वेतन से आप रिटायर हुए थे तो उस समय 40% पेंशन बेचा होगा और उसके बदले में आपको एक साथ अच्छा खासा अमाउंट मिला होगा और उसी का कंपटीशन के रूप में हर महीने पैसा कटता है जो कि 15 साल तक कटेगा। अब सातवें वेतन में फिर से पेंशन बेचना नहीं है, इसलिए रिटायर होने के समय जो छठवें वेतन में कंपटीशन के रूप में पैसा हर महीने कटा था उतना ही पैसा सातवें वेतन से कटकर पेंशन मिलेगा। मतलब छठवें वेतन में कंपटीशन के रूप में 4,000 रुपए कटने के बाद पेंशन मिलता था तो उतना ही अमाउंट सातवें वेतन में भी कटकर पेंशन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं उसकी पेंशन कितनी होगी। दोस्तों कर्मचारी का अंतिम बेसिक 15,030 है और 4200 ग्रेड पे है और वह कर्मचारी 9,300 से लेकर 34,800 की पे स्केल पे रिटायर हुआ है और रिटायरमेंट डेट 1 सितंबर 2010 है, तो इनकी पेंशन कितनी होगी चलिए देखते हैं। दोस्तों कर्मचारी का अंतिम बेसिक और ग्रेड पे को जोड़ना है, 15,030 उनकी अंतिम बेसिक थी तो 15,030 और 4200 मतलब 19,230 आया। अब इसको 2.57 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 49,421 आया। अब ये अमाउंट मैट्रिक्स टेबल में देखना है, मैट्रिक्स टेबल में छठवें वेतन में जो आपका ग्रेड पे था उस कॉलम में देखना है। छठवें वेतन में इस कर्मचारी का ग्रेड पे 4200 है तो 4200 के कॉलम में उस अमाउंट को देखना है। 4200 के कॉलम में 49,421 अमाउंट नहीं है तो उसके आगे वाला अमाउंट कंसिडर करना है, तो उसके आगे वाला अमाउंट 50,500 है तो 50,500 का हाफ यानी 25,250 उसकी नई बेसिक सातवें वेतन के हिसाब से हो जाएगी। अब इसके ऊपर 12% डीए जोड़ेंगे तो 25,250 का 12% मतलब 3,030, तो 25,250 प्लस 3,030 28,280 ये अमाउंट आ गया। अब छठवें वेतन में पेंशन बेचने के बाद उनको हर महीने कम्यूटेशन के रूप में समझो 4,000 रुपए कटता था तो उतना ही पैसा इस अमाउंट में से डिडक्ट होगा तो 24,280 आया, तो यही अमाउंट इस कर्मचारी की सातवें वेतन में पेंशन मिलेगी। मतलब छठवें वेतन में कंपटीशन के रूप में 4,000 रुपए कटने के बाद पेंशन मिलता था तो उतना ही अमाउंट सातवें वेतन में भी कटकर पेंशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।